हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल टेक ऑफ टेली एन जी एस टी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि यदि आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में पैन कार्ड, आधार नंबर और ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करना, तो आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में आपको पीएनबी वन एप्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 4 अंक का एम पिन डालना है। जैसे ही आप एम पिन डालिएगा तो यहाँ पे आपका फ़ोन पे लॉगिन हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सर्विस दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्विस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ भी बहुत सारा ऑप्शन है, तो आपको किस क्या करना है, अदर वाले एरो पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पैन रजिस्ट्रेशन, आधार रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी अपडेशन। तो यहाँ पे मैं पैन पहले रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा ओपन हो चुका है। कस्टमर आईडी ये है और यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं कि मैं पैन नंबर डाल दिया हूँ, मैं रजिस्टर पैन लिस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं इससे पहले भी पैन नंबर डाला था तो ये गलत हो चुका था, इसलिए ये अंडर प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है नीचे। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि मैं योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन फेल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर ब्रांच फर्दर अपडेट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैं ऑलरेडी पहले कर दिया था इसलिए नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद यहाँ पे आधार रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया हूँ। आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आपको डालना है। रजिस्टर मोबाइल पर आपके ओटीपी आएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओटीपी आ चुका है। और यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द बिलो मेंशन अकाउंट। मेरा आधार नंबर ऑलरेडी पहले से रजिस्टर है। यदि आप करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर दीजिए और बैक आ जाइए। और यहाँ पर आपको ईमेल आई डी अपडेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको ईमेल आईडी डालना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं ईमेल आईडी डाल दिया हूँ, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड सक्सेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।